तो स्टूडेंट्स मैकेनिकल वेव्स होते हैं ठीक है मैकेनिकल वेव्स मतलब कौन स्टूडेंट्स मैकेनिकल वेव इज साउंड वेव मैकेनिकल वेव का एग्जाम्पल क्या है तो साउंड वेव है तो स्टूडेंट्स मैकेनिकल वेव्स जो होते हैं मतलब साउंड वेव जो है स्टूडेंट्स उसको ट्रैवल करने के लिए किसकी जरूरत होती है वी हैव लर्न दिस कैन यू रिकॉल बेलजार एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट्स एट स्टैंडर्ड में बेलजार एक्सपेरिमेंट पढ़ा था याद है आपको स्टूडेंट्स yes. so जैसे ही हम लोग वो जाग में से हवा निकालते हैं वही यू एबल टू लिसन टू द साउंड स्टूडेंट्स वही यू एबल टू लिसन टू द साउंड ऑफ द बेल रिंग नहीं तो so स्टूडेंट्स अपने को पता है कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए क्या जरूरत होता है मीडियम क्या हो सकता है स्टूडेंट्स मीडियम कैन बी एय दैट इज गैस से भी स्टूडेंट्स में से भी स्टूडेंट साउंड कैन पास लिक्विड में से भी स्टूडेंट्स और साउंड कैन पास स्टूडेंट ये सो यू मस्ट है डेस्क के ऊपर कान रखा एंड इफ यू बैंक दूडेंट्स आई यू एबल टू लिसन टू द साउंड स्टूडेंट ये

डिटर्बेंस मतलब तो जैसे ही स्टूडेंट्स मीडियम में वेव ट्रेवल करता है मीडियम में जैसे ही स्टूडेंट्स वेव ट्रेवल करेगा students, जो क्या करने लगेंगे करने लगें. right? it, तो अभी ये डिस्टर्बेंस कैसे क्रिएट होता है स्टूडेंट्स लॉन्जिट्यूडल वेव में हाउ इज डिस्टर्बेंस क्रिएटेड सो इट इज वेरी सिंपल स्टूडेंट्स लेटर से इफ दिस इज द डायरेक्शन अगर वे अगर वेव स्टूडेंट्स

ये वेव वजह से जो पार्टिकल है स्टूडेंट इज वाइब्रेटिंग टू एंड इट इज वाइब्रेटिंग टू एंड इज लेफ्ट एंड दोनों लाइंस दे। ये जो दो लाइंस ड्रॉ की है मैंने दे स्टूडेंट्स दे आर पैरेलल हाउ आर सो व्हाट इज दिस इज डायरेक्शन ऑफ वेव व्हाट इज द स्टूडेंट्स

Direction of wave and your direction of vibrations. How are they, students? They are parallel to each other. How are they parallel to each other, students? How are they, students? They are parallel to each other. In this case, the wave is called as longitudinal wave. What is this wave for students? We call it as longitudinal wave. Everybody understood this? Any questions? So, what is longitudinal wave, students? Longitudinal wave. That wave? wave wave, students? Direction of wave. And direction of vibrations, kaise hote students? Parallel hote, Direction of wave and direction of particles. How are they students? They are parallel to each other. Direction of wave and direction of particles are parallel to each other. Any questions? Any questions you have students? Any doubts students? As of now students, you are just going to remember the key points which I told, tell you students. Detailed explanation of any actually in the chapter students.

Right? All right. Now for the further explanation, let me make a setup for you all students. And then we are going to understand the other part of this particular chapter. All right. Just give me a moment, students. Yes, Sakshi, tell me. Sakshi. Hello, sir. Sakshi. Tell sir, what me. व डिफरेंस बिटवी एनर्जी करता है तो एनर्जी वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है कैसे फॉर्म ट्रेवल करता है इन द फॉर्म ऑफ वेव अच्छा वेव मतलब क्या तो वेव मतलब वाइब्रेशन वेव मतलब क्या मतलब okay. okay. अभी एक लाइन है ना ठीक है yes. लाइन है या डिस्टर्ब अच्छा अगर लेक का वॉटर तुमने देखा है लेक का वाटर हावीट नहीं, yeah. नहीं 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 लेक में पानी कैसे होता है स्टिल होता है ना हाँ तो लेक में वाइब्रेशन लेक में होते क्या वाटर वेव्स होते हैं क्या नहीं बट नहीं, तो समुन्द्र में वाटर वेव्स होते हैं क्या हाँ तो वहां पे वो सरफेस है पानी का सरफेस है कैसे होता है डिस्टर्बेंस होता, हाँ। होता है ना सर्फिस पानी के डिस्टर्बेंस मतलब होता है ना पे मतलब मतलब क्या वेव मतलब पार्टिकल डिस्टर्ब होते हैं वो ठीक है okay, okay. पार्टिकल क्या करते हैं वाइब्रेट करते हैं क्रिएट करते एनर्जी के वजह से पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं डिस्टर्ब हो जाते हैं तो वो जो डिस्टर्बेंस है उसको हम लोग वेव बोलते हैं समझा ठीक है लेक्चर okay. जब एक्चुअल नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ना तभी हम लोग को समझ में आ जाएगा ठीक है सो हेव क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर ठीक है ऑल राइट चलो लेट अस नाउ मूव ऑन स्टूडेंट लेट अस नाउ मूव ऑन अच्छा अभी वी आर गोइंग टू सी जब जब वी आर गोइंग टू सी जब साउंड वेव क्रिएट होता है एग में क्या चेंजेस आते हैं तो टू लर्न दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू टेक एन एग्जांपल ऑफ ट्यूनिंग फोक we are going to take an example of tuning fork. We all know what is tuning fork, right? Eighth standard mein apne padha hai tuning fork kya hai students? Tuning fork is a laboratory equipment which is used to study the different sounds. ठीक है? तो मैंने क्या किया tuning fork layer? Tuning fork के दो prongs होते हैं students and नीचे उसको पकड़ने के लिए stem होता है. So these are two prongs and नीचे है stem. तो अभी students ये tuning fork को अगर मैंने ऐसे disturb नहीं किया

Vibrations. अच्छा ये वाइब्रेशन की वजह से स्टूडेंट्स ट्यूनिंग सेन आई से स्टूडेंट से yes, अच्छा ये नॉर्मल था ठीक है एग मॉलिक्यूलिक्यूल राइट दीज आर दॉलिक्यूल्स इक्व डिस्टेंट है ना स्टूडेंट्स ये फोक है ट्यूनिंग फोक है ट्यूनिंग फोक है अगर स्टूडेंट्स ट्यूनिंग फोक बाहर के साइड गया तो क्या हुआ देखो जरा ट्यूनिंग फोक है साइड गया स्टूडेंट्स ट्यूनिंग फोक बाहर के साइड हुआ क्या हुआ स्टूडेंट्स वट द एग मॉलिक्यूल्स वैपन टू द एग मॉलिक्यूल स्टूडेंट्स डिस्टर्ब हुए बट केसेस डिस्टर्ब हुए स्टूडेंट्स डिस्टर्ब हुए बट कैसे डिस्टर्ब हुए डिड द एग मॉलिक्यूल्स कम टूगेदर डिट द एग मोलिक्यूल्स कम टूगेदर स्टूडेंट स्टूडेंट जब भी बाहर जाएगा तो एग मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स ऐसे पास में आ जाएंगे एग मॉलिकोन टू कम टू गेदर स्टूडेंट एग मॉलिकोन टू कम टू ग्रीबीस्टोरस्टोर अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे एग मॉलिक्यूल्स है लेटर से ठीक है जब भी ट्यूनिंग फोक अंधक जाएगा, जाएगा इधर जगह बन गया इधर जगह बन गया तो स्टूडेंट्स क्या ये एग मॉलिक्यूल जैसे पसर जाएंगे ये एग मॉलिक्यूल जैसे पसर जाएंगे स्टूडेंट्स ये सर नो स्टूडेंट देट स्कैटर्ड एवरी वेग देक्यूल्स में बहुत सारा जगह जनरेट होगा

And the second pattern. So, can I say, students, I'm going to have this pattern repeatedly? Can I say, I'm going to have this pattern repeatedly, students? Yes. So, students, how will the disturbance in the air look like? How will the disturbance in the air look like? The disturbance in the air will look something like this. The disturbance in the air is going to look something like this. Do you agree with me, students? Do you agree with me? The disturbance in the air. ंग लाइक दिस ठीक है सो ये डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स वॉट डज दिस क्या मीन करता है स्टूडेंट्स ये डिस्टर्बेंस मीन करता है कि जब भी एग मोलिक्यूल्स पास में आते हैं तभी स्टूडेंट्स हम लोग वो जो पर्टिकुलर एरिया है वी कॉल कंप्रेशन वी कॉल स्टूडेंट्स

What is it called as? Very nice, Sakshi. Very nice. What is it called as? Rare faction. Kya students? Rare faction. Everybody understood this. So, sound waves, it creates compression and refraction. Compression and refraction. Compression and refraction. Everybody understood this. Everybody understood this. Any questions, students? Any questions?

फैक्शन okay, अच्छा अभी स्टूडेंट्स मी अगर ये एयर अनडिस्टर्ब्ड है अगर ये एयर अनडिस्टर्बड है तो मी ये पॉइंट पे ये पॉइंट पे ये पॉइंट पे ये पॉइंट पे, पे प्रेशर एंड डेंसिटी कैसे रहेगा इफ द एयर इज इजिस्टर्बड ये सारे पॉइंट्स पे प्रेशर एंड डेंसिटी यूनिफॉर्म रहेगा या अन un रहेगा नॉन यूनिफॉर्म रहेगा एग इज अनडिस्टर्ब स्टूडेंट तो अनडिस्टर्ब एग है तो हर पॉइंट पे आप अगर प्रेशर एंड डेंसिटी मेजर करोगे तो आपको प्रेशर एंड डेंसिटी यूनिफॉर्म मिलेगा सेम वैल्यू क्या मिलेगा या अलग अलग वैल्यू कहा स्टूडेंट्स ठीक है यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स दिस आर द वैल्यूज ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी प्रेशर एंड डेंसिटी का अगर मैंने ग्राफ निकाला स्टूडेंट तो हर पॉइंट पे प्रेशर एंड डेंसिटी ना इसे कॉन्स्टेंट रहेगा हर पॉइंट पे प्रेशर एंड डेंसिटी इज इट गोइंग टू बी कॉन्स्टेंट स्टूडेंट यस तो ये जो लाइन दिख रहा है ना व्हाट इज दिस दिस इज द मीन वैल्यू ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी जूडेंट दिसन वैल्यू प्रेशर वैल्यू मतलब क्या स्टूडेंट मेन्यू मतलब क्या वैल्यूल मतलब फॉर्म में उसका जो प्रेशर एंड डेंसिटी का वैल्यू है दैट इज द मेन वैल्यू वी आर टॉकिंग अबाउट सबको समझाइए इसको डाउट है ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट अच्छा अभी स्टूडेंट्स हमने क्या किया अभी हम लोग ने ये एग को ट्यूनिंग से डिस्टर्ब किया एग मोर किया? किया. अच्छा, अगर ट्यूनिंग फोक डिस्टर्ब हुआ अगर साउंड जनरेट हुआ दिस फर्स्ट पैटर्न नो तो मुझे कौन सा पैटर्न मिलेगा कंप्रेशन एंड रेफ्रैक्शन वाला पैटर्न मिलेगा

डर हैंड पेन डज यूर हैंड पेन स्टूडेंट्स वाइट इट पेन स्टूडेंट वाइट इट पेन क्या हो गया स्टूडेंट प्रेशर बढ़ा या कम हुआ जब कंप्रेशन क्रिएट होगा प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा वट डू यू थिंक स्टूडेंट प्रेशर बड़ा प्रेशर क्या हुआ स्टूडेंट बड़ा प्रेशर एंड डेंसिटी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स विल इंक्रीज अच्छा अभी स्टूडेंट ये जो फिस्ट बनाया ना फिस्ट बनाया ना अभी उसको स्टूडेंट्स क्या करो उसको क्या करो छोड़ दो पार्टिकल्स को दूर भेज दो पार्टिकल्स को दूर भेज दो स्टूडेंट्स व्हाट डू यू फील व्हाट डू यू फील स्टूडेंट्स व्हाट डू यू फील व्हाट इज हैपनिंग टू द प्रेशर एंड डेंसिटी स्टूडेंट्स व्हेन द पार्टिकल्स आर मूविंग अवे व्हेन द पार्टिकल्स आर मूविंग अवे स्टूडेंट्स व्हाट डू यू फील व्हाट हैपेंस टू द प्रेशर एंड डेंसिटी स्टूडेंट्स प्रेशर कम हो गया यस नो स्टूडेंट्स जब भी आप कंप्रेशन किया तभी क्या हुआ द प्रेशर इंक्रीजेस द प्रेशर इंक्रीजेस एंड स्टूडेंट्स जब भी आपने रेफ्रैक्शन लिया तभी प्रेशर डेंसिटी क्या हो गया डिक्रीज हो गया एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस तो स्टूडेंट्स व्हाट वी हैव इज वी हैेश लो प्रेशर है ऊपर हाई प्रेशर है या लो प्रेशर है ये लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट है जो भी वैल्यूज है इट इज गोइंग टू बी हाई प्रेशर और लो प्रेशर करेक्ट ऊपर हाई प्रेशर नीचे लो प्रेशर ऊपर हाई प्रेशर नीचे लो प्रेशर ये सब नो स्टूडेंट्स येस सो नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज इफ आई हैव कंप्रेशन एट दिस पॉइंट इन दिस एरिया स्टूडेंट्स इफ आई हैव कंप्रेशन व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू द मीन वैल्यू ऑफ प्रेशर विल इट इंक्रीज और विल इट डिक्रीज एट दिस पॉइंट स्टूडेंट्स इफ आई हैव कंप्रेशन विद द प्रेशर इंक्रीज और विद द प्रेशर डिक्रीज तो स्टूडेंट्स इंक्रीज होगा तो कैसे इंक्रीज होगा स्टूडेंट्स प्रेशर विंक्रीज प्रेशर एंड ग्रेजुअली इंक्रीज होगा इट इज गोइंग टू रीच द मैक्म वैल्यू एंड देन वापस क्या होने लगेगा स्टूडेंट्स डिक्रीज होने लगेगा डिड यू अंडरस्टैंड दिस सो प्रेशर एंड डेंसिटी ग्रेजुअली इंक्रीज स्टूडेंट्स देखो प्रेशर एंड डेंसिटी स्टूडेंट्स क्या होगा ग्रेजुअली इंक्रीज हो गए ग्रेजुअली इंक्रीज हो गए

Increasing, increasing, increasing maximum value बना फिर वापस it will start decreasing students because we are now going to encounter क्या fraction तो so क्या fraction में students pressure and density mean value के नीचे चला जाएगा so this is the kind of pattern which we are going to get students this is the kind of the b form or this is the kind of the graph of pressure and density students which we are going to get in case of In case of students, in case of pressure and density variation, students. In case of pressure and density variation, did you understand this? If please raise your hands. If you have any questions, if you have any doubt, please raise your hands, so that we can move with the next part. If you do not have questions, we can move with the next part, students.

समझा यस सर सो मीन वैल्यू मतलब क्या मीन वैल्यू मतलब अनडिस्टर्ब्ड एयर में जो प्रेशर एंड डेंसिटी का वैल्यू रहेगा दैट इज द मीन वैल्यू बट जैसे okay. ही सेट तो क्या होगा वो प्रेशर एंड डेंसिटी का वैल्यू चेंज हो जाएगा वो मीन वैल्यू नहीं रहेगा इट विल आइदर इंक्रीज और इट विल डिक्रीज द मीन वैल्यू ओके सर ठीक है ऑलराइट यस नाउ लेट अस मूव ऑन स्टूडेंट अस मूव ऑन उट वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिकॉक अबेंट कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छा एंड डेंसिटी so का वेरिएशन सेल्फ ठीक है प्रेशर एंड डेंसिटी का वेरिएशन ठीक है अच्छा अभी मैंने क्या किया स्टूडेंट कंप्रेशन के वजह से क्या हुआ हाई प्रेशर जनरेट हुआ एंड रेफ्रैक्शन की वजह से क्या जनरेट हुआ स्टूडेंट्स रेफ्रैक्शन की वजह से लो प्रेशर जनरेट हुआ लो प्रेशर जनरेट हुआ स्टूडेंट्स सो स्टूडेंट्स वन कंप्रेशन एंड वन रेफ्रैक्शन वन कंप्रेशन एंड वन रेफ्रैक्शन और और स्टूडेंट और वन हाई प्रेशर एंड वन लो प्रेशर वन हाई प्रेशर एंड वन लो प्रेशर स्टूडेंट्स ये स्टूडेंट्स मिला के क्या जनरेट करते हैं तो ये मिला के जनरेट करते हैं वन साइकल क्या जनरेट करते स्टूडेंट्स वन साइकल सो स्टूडेंट वन कंप्रेशन एंड वन रेफ्रैक्शन वन कंप्रेशन एंड वन रेफ्रैक्शन इज वन साइकिल

सबको समझा जैसे दिन एंड रात राइट मॉर्निंग एंड इवनिंग मॉर्निंग एंड नाइट स्टूडेंट्स टूगेदर मेक वन एंटायर डे सर नो स्टूडेंट्स वैसे ही स्टूडेंट्स एक कंप्रेशन एंड एक रेफ्रक्शन क्या जनरेट करता है एक साइकिल जनरेट करता है एनी क्वेश्चन एनी क्वेश्चन एनी डाउट ऑल राइट तो स्टूडेंट्स मुझे बताओ इसमें कितने साइकिल्स जनरेट हुए इस वेव में कितने साइकिल्स जनरेट हुए

स्मीथ ऑल राइट अच्छा टू राइट नो ओके ओके चलो मूविंग कॉन स्टूडेंट्स ना हो टॉक अबाउट वेरी फर्स्ट वेरी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी वे गोटो टॉक अबाउट वेरी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक दैट इज फ्रीक्वेंसी तो वेव का फ्रीक्वेंसी होता है क्या होता है स्टूडेंट वेव का फ्रीक्वेंसी होता है

लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर ऑफ एयर इन अ मीडियम इन वन सेकेंड फ्रीक्वेंसी मतलब एक सेकेंड में स्टूडेंट एक सेकेंड में द नंबर ऑफ साइकिल्स क्रिएटेड उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी In one second, the number of cycles created is called as frequency. love essay, eight second my students. Ten cycles create, the frequency kitna hoga essay, second my in one second, students. If I have ten cycles created, ten cycles created, what is the frequency, students? The frequency is going to be ten. What is the frequency going to be? बेटा ये फ्रीक्वेंसी का सिंबल है यूनिट नहीं है फ्रीक्वेंसी का यूनिट आपने पढ़ा है फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट क्या होता है फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट इज हर्ट्ज व्हाट इज इट स्टूडेंट्स हर्ट्ज याद आया 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था एट स्टैंडर्ड में पढ़ा था फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट इज हर्ट्ज यस सो स्टूडेंट्स अगर 1 सेकंड में इन 1 सेकंड इफ आई हैव 10 साइकल्स In one seconds, if I have 10 cycles, what is the frequency, students? If in one second, if I have 10 cycles, if 10 cycles are created, what is going to be the frequency? Correct. The frequency is going to be 10 hertz. Frequency gitnaoga yeah. students, 10 hertz. Hoga. One second may in one second, students, if I have if I have 500 compressions and 500 refractions.

फ्रिक्वेंसी कामेजिंग क्वेश्चन चलो अभी ना दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते स्टूडेंट यू कैन गो टू दर डेफिनेशन लीटर आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स तो जब यह आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा ठीक है ऑल राइट सो लेट इज नाउ टॉक अबाउट सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज वेव लेंथ क्या स्टूडेंट वेव लेंथ लेंथ वेव लेंथ जो है दैट इज गिवन बाय दिवन बाय Wavelength is given by letter, Greek letter, symbol, lambda. क्या स्टूडेंट स्टूडेंट वेवलें क्या है लामबड़ा है सिंबल ऑफ वेवल स्टूडेंट वेव लेंथ का सिंबल इज लांबड़ा एंड स्टूडेंट वेव लेंथ लेंथ हम लोग किसमें मेजर करते Length, हम लोग किसमें मेजर करते हैं स्टूडेंट्स लेंथ का यूनिट क्या होता है लेंथ का यूनिट क्या होता है करेक्ट मीटर होता है ना स्टूडेंट्स सो वेवलेंथ का जो एस यूनिट है दैट इज गोइंग टू बी मीटर क्या होगा स्टूडेंट्स वेवलेंथ का एस यूनिट इज गोइंग टू बी मीटर एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस एनी क्वेश्चन सो फार अच्छा अभी वेवलेंथ क्या होता है लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वेवलेंथ क्या होता है सो नाउ इफ आई ड्रॉ वेव स्टूडेंट्स ठीक है इधर से वेव स्टार्ट हुआ एक वेव जनरेट हुआ कैन आई से एक वेव जनरेट हुआ यस कैन आई से एक वेव जनरेट हुआ एक वेव जनरेट हुआ तो वो वेव ने कितना डिस्टेंस कवर किया है या वो वेव का ये पूरे एक साइकिल का जो टोटल डिस्टेंस है उसको हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं ठीक है डिड यू अंडरस्टैंड दिस ये पॉइंट से लेके स्टूडेंट्स ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक जो डिस्टेंस ट्रेवल है या जो डिस्टेंस कवर किया है वेव ने एक डिस्टरबेंस ने जो जितना डिस्टेंस कवर किया है दैट इज द वेवलेंथ स्टूडेंट्स एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस ठीक है

ये पॉइंट तक उसको भी हम लोग वेव लेंथ बोलेंगे क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज स्टूडेंट्स जो हाई प्रेशर पॉइंट है पहला हाई हाई प्रेशर प्रेशर पॉइंट पॉइंट एंड दूसरा point, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेव लेंथ वॉट इज दट कॉल्ड एज स्टूडेंट्स दैट इज कॉल्ड एज वेव लेंथ ठीक है यहां से लेके स्टूडेंट यहां से लेके यहां तक

Everybody understood this. Everybody understood this. Done, everybody. Everybody followed this. Amazing, amazing, amazing. Chalo. I'll draw one more waveform We'll Just demonstrate that. Huh? I'm going to draw one more waveform. Just demonstrate it. So basically, we are going to talk about, we are going to talk about third characteristics. Third characteristics, students, I'm going to draw two waves. Just monitor and tell me what difference do you see? Okay. This is wave number one. And the wave number two is this. What difference do you see, students? Correct. What difference do you see, students? This wave here उसका प्रेशर एंड डेंसिटी का वैल्यू कैसा है प्रेशर एंड कम है या ज्यादा स्टूडेंट्स एंडिटी कितना इसके कंपेरिजन में स्टूडेंट्स लो है तो स्टूडेंट विस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स दिस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड एस एम्पलीट्यूड क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स उसको amplitude. What are we going to call it as, students? We are going to call it as amplitude. So, what is amplitude? Amplitude is the maximum value of pressure. Pressure is maximum here. Is the pressure maximum here? At this point, is the pressure maximum, students? No. At this point, the pressure is maximum. The maximum value of pressure is called as amplitude of the wave, students.

we are just fast forwarding things students we are just fast forwarding things as of now okay this is just so that you can prepare for the exams when we actually look into the lecture we are going to go slow and we are going to look at all the examples very properly students done everybody any questions so far any questions on amplitude so what is amplitude what is amplitude the maximum value of pressure in wave, in wave is called as amplitude. The maximum value of pressure and density in wave is called as amplitude. Yes, everybody understood this. Any questions so far? Amazing, amazing, amazing. Chalo. Achha, the next characteristic students we are going to talk about. Acha, jisko na thoda sa lecture fast lag raha hai na,

फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छा फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्सर्व करके पता ना मुझे fourth characteristics ना, students, अभी फर्स्ट वेव देखो फर्स्ट वेव देखो फर्स्ट वेव देखो दिस इज द फर्स्ट वेव दिस इज द फर्स्ट वेव ए वेव

Did you understand what is time period, students? Everybody understood what is time period. So, if you come to page number 128, if you come to page number 128, if you come to page number 128, you have a definition for time period, students. What is the definition of time period? ठीक है, अच्छा अम्पलीट्यूड uh, का कोई यूनिट नहीं होता, स्टूडेंट्स अम्पलीट्यूड डेसन्ट हैव अ यूनिट, ठीक है, टाइम पीरियड का यूनिट क्या कहेगा? सेकेंड्स कहेगा। So, if you come to page number 28, there's a definition for time period. What is time period ka definition? The time taken for one oscillation of pressure or density at a given point in the medium is called as time period. Time taken for the one oscillation. Did I draw one oscillation of pressure and density? Did I draw one oscillation of pressure and density? तो वन ऑसिलेशन प्रेशर एंड डेंसिटी का वन ऑसिलेशन क्रिएट करने के लिए जितना टाइम लगता है मीडियम में दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड एवरीबडी अंडरस्टूड दिस एवरीबडी अंडरस्टूडन यू हैव एनी क्वेश्चन राइट अमेजिंग सो स्टूडेंट दैट इज टाइम पीरियड एंड स्टूडेंट्स डू यू नो द रिलेशनशिप बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी रिलेशनशिप बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी याद रखना आपको टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी का रिलेशनशिप क्या है तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू वन अपॉन टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वन अपॉन टाइम पीरियड रिमेम्बर तो फ्रीक्वेंसी का सिंबल इज न्यू इज इक्वल टू वन अपॉन कैपिटल टी so nu is equals to 1 upon capital t nu is equals to 1 upon capital t so this relationship you have to remember students. everybody understood this any questions so far any doubts so far students yes no so i get a to मुझे चलो अभी फर्स्ट वेव देखो फर्स्ट वेव देखो ऑब्जर्व इट वेव ए एंड वेव बी वेव ए देखो ठीक है वेव ए एंड वेव बी देखो क्या डिफरेंस है स्टूडेंट्स करेक्ट स्पीड डिफरेंट है ना क्या डिफरेंस है स्टूडेंट्स स्पीड डिफरेंट है ना तो स्टूडेंट्स वेव का भी स्पीड होता है वेव का भी क्या होता है स्टूडेंट्स स्पीड होता है सो वेव हैज अ स्पीड वेव हैज अ स्पीड एंड वी कॉल इट एज वेलोसिटी ऑफ वेव वेलोसिटी ऑफ वेव राइट एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस तो स्टूडेंट्स फर्स्ट वेव का स्पीड कैसा है ज्यादा है सेकंड वेव का स्पीड कैसा है स्टूडेंट्स तो It is little slope. So every wave has a velocity. Every wave has a velocity. Did you understand this? Everybody understood this? All right, all right. Now, do you know, students, do you know there is a relationship? A relationship between velocity of wave. Frequency and, and and velocity of wave, frequency, and wavelength. So students, velocity of wave, frequency, and wavelength, ke beech mein, students, there's a relationship. Right? There's a relationship between velocity of wave, frequency, and wavelength. Now, this is a very important derivation, students. So I want you to फोकस ऑन दिसवेशन वेरी प्रॉपरली ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट डेगिवेशन है सो प्लीज फोकस ऑन दिसवेशन एंड इसके साउंड भी इंपॉर्टेंट है ठीक है तो लेट इज नाउ क्विकली लुक एट वॉट इज अवेशन अच्छा जस्ट गिव मी अटूडेंट जस्ट गिवी अट आई बी राइड बैक all right sorry about that students sorry about that let us now discuss the next part of this particular chapter okay so what is the next part students the next part is we have to find the relationship between velocity of wave frequency and wavelength so velocity of wave students velocity of wave is given by velocity of wave is given by letter v velocity of wave is given by letter v

डिटेंस अपॉन टाइम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज एंटेड स्टूडेंट्स सो वेलॉसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम अच्छा अगर कि ये फॉर्मूला में वेव के लिए यूज करूं इफ आई यूज दिस फॉर्मूला फॉर वेव फॉर वेव इफ आई यूज दिस फॉर्मूला फॉर वेव स्टूडेंट्स ठीक है तो स्टूडेंट्स टेल मी टेल मी ये जो वेलॉसिटी है

wavelength multiplied by its frequency velocity of wave velocity of wave is equals to wavelength multiplied by its frequency everybody understood this who did not understand who did not understand

कंप्रेशन में मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं स्टूडेंट्स पास में आ जाते हैं रेफ्रैक्शन में मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं स्टूडेंट्स दूर चले जाते हैं कंप्रेशन में मॉलिक्यूल्स कम्स टूगेदर रिफ्रैक्शन में मॉलिक्यूल कोस अवे फ्रॉम फ्रॉमी चादर यह सब कंप्रेशन में जब मॉलिक्यूल्स पास में आते हैं प्रेशर एंड डेंसिटी मीन वैल्यू से इंक्रीज हो जाता है एंड रिफ्रैक्शन में स्टूडेंट्स जब मॉलिक्यूल्स दूर जाते हैं तभी प्रेशर एंड डेंसिटी मीन वैल्यू से क्या होगा स्टूडेंट्स मीन वैल्यू से इट इज गोइंग टू डिक्रीज तो कंप्रेशन में प्रेशर एंड डेंसिटी बढ़ता है रेरफैक्शन में प्रेशर एंड डेंसिटी कम होता है कंप्रेशन में प्रेशर एंड डेंसिटी बढ़ता है तो रेरफैक्शन में प्रेशर एंड डेंसिटी डिक्रीज है स्टूडेंट्स एवरीबडी अंडरस्टूड सो फार चलो मूविंग ऑन मूविंग ऑन वॉट डिड वी सी स्टूडेंट्स वॉट डिड वी सी

1500 cycles are created. What is the frequency? In three seconds, students, in three seconds, 1500 cycles are created. What do you think is the frequency? In three seconds, 1500 cycles, 1500 cycles are created. What do you think is the frequency? करेक्ट क्या करने का स्टूडेंट कितना आएगा फ्रीक्वेंसी वैगी नाइस ऐश्वर्या व्हाट डू यू थिंक इज द आंसर स्टूडेंट सिर्फ ऐश्वर्या को आया प्रथमेश को भी आया वैगी नाइस बेटा इनटू इनटू थ्री नहीं है डिवाइड थ्री डिवाइड बाय थ्री आएगा क्या आएगा वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड डिवाइडेड बाई थ्री आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस सिंपल कैलकुलेशन है ना तीन सेकेंड में फाइव फिफ्टीन हंड्रेड है

थ वेव लेंथ इज गिवन बाई लैमड़ा वॉट इज वेन्थन बाय स्टूडेंट्स वेव लेंथ इज गिवेन बाय लैमड़ा अच्छा वेव लेंथ मतलब क्या पूरा वेव जो लेंथ कवर करता है पूरा एक साइकिल जो लेंथ कवर करता है दट इज दें और हाई प्रेशर पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है दो हाई प्रेशर पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एज वेन्थ

अच्छा स्टूडेंट्स कैन आई कैन आई कैन आई से दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव क्या ये एम्पलीट्यूड हो सकता है क्या कैन आई कंसीडर दिस एज़ एम्पलीट्यूड दिस इज आल्सो एन एम्पलीट्यूड स्टूडेंट्स डेफिनेशन के हिसाब से मत सोचो स्टूडेंट्स ये भी एम्पलीट्यूड ही है ये भी एम्पलीट्यूड है ये भी एम्पलीट्यूड है स्टूडेंट्स यस सो व्हाट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रेशर इज

यहां तक किसी को डाउट है। ऑलरेडी ओवरडोज right. हो गया, ज़्यादा हो गया क्या? ऑलरेडी ऑलरेडी। व्हेन डू यू हैव पेपर स्टूडेंट्स? व्हेन डू यू हैव पेपर? व्हेन डू यू हैव साइंस पेपर? यू ऑल ऑफ़़ में सेम स्कूल? आई यू ऑल ऑफ़ में सेम स्कूल? ऑल राइट सो यू है हम लोग right. so अभी. अभी <coughs> जैसे लाइट रिफ्लेक्ट होता है ना लाइट कोई सर्फिस पे करता है तो रिफ्लेक्ट होता है ना वैसे स्टूडेंट साउंड भी कोई सर्फिस पे जब भी जाके हिट करता है ऑल राइट ऑल राइट नो वैगी वेरी केयरफुल्स तो स्टूडेंट जस्ट लाइक लाइट रिफ्लेक्ट साउंड ऑल्सो रिफ्लेक्ट साउंड ऑल्सो रिफ्लेक्ट साउंड ऑल्सो रिफ्लेक्ट जस्ट लाइक लाइट रिफ्लेक्ट साउंड ऑल्सो रिफ्लेक्ट एंड ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से बहुत अमेजिंग फिनोमिना क्रिएट होता है महाबलेश्वर में इफ यू हैपन टू कॉल योर नेम अगर आपने हेलो बोला तो क्या होता है स्टूडेंट्स क्या सुनाई देता है एक ही बार हेलो सुनाई देता है क्या नहीं मल्टीपल टाइम्स यू कैन हेलो रिपीटेडली सग नो स्टूडेंट्स तो जो रिपीटेड रिपीटेशन ऑफ साउंड उसको क्या होता है बोलते हैं कैन योर वी कैन यको बिकॉज साउंड रिफ्लेक्ट वी कैन यको स्टूडेंट्स वी कैन योर एक् एवरीबडी अंडरस्टूड दिस तो वॉट इज एक्टूडेंट्स इज रिपीटेशन 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 ऑफ ओरिजिनल साउंड वॉट इज एक्टूडेंट रिपीटेशन ऑफ ओरिजिनल साउंड अगर आपने हाय बोला तो स्टूडेंट आपको क्या सुनाई देगा हाय हाय Hi Yes students? So the same high you will be able to hear it multiple times. Okay. And why does the sound original sound repeat, students? Why does the original sound repeat? The original sound repeats because the sound gets reflected from the surface students. Okay. The original sound reflects because.

सुनाई देने के लिए वॉट यू हैव ए स्टूडेंट यू आर स्टैंडिंग ऑन द क्लिफ एंड इफ यू शाउट आपको एको yes no? so सुनाई देगा ये सॉक नो अच्छा क्लिफ से स्टूडेंट्स नहीं एमटी गोम में एक् सुनाई नहीं देता एम टी गुम में क्या सुनाई देता है मैं बाद में बताता हूं आपको ठीक है एम टी

उसको ही आवाज सुनाई देगा या पूरे क्लास को आवाज सुनाई देगा आई एम टॉकिंग सर 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 इन द क्लास। ऐसा है के सामने अगर बात किया तो सर को सुनाई देगा या आपको भी सुनाई देगा अगर आप बैठे होंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स इफ आई एम डेफिनेटली यू विल एबल टू और नो सो मतलब इसका क्या स्टूडेंट्स की साउंड क्या करता है स्टूडेंट साउंड ट्रैवल्स

तो क्या surface, ये माउंटेन का सरफेस ये साउंड को रिफ्लेक्ट करेगा माउंटेन का सरफेस क्या करेगा ये साउंड को वापस रिफ्लेक्ट कर देगा ये सो नो स्टूडेंट्स तो उसको सेम आवाज विल ही बी एबल टू हियर इट अगेन दूसरी बार सुनाई देगा ये सेम हेलो उसको अभी वापस सुनाई देगा तीसरी बार सुनाई देगा सेम हेलो उसको अभी कितनी बार सुनाई देगा चौथी बार सुनाई देगा स्टूडेंट्स So you're the same sound, students, the same sound, the same sound is repeated multiple times. Yes, the original hello, the original hello, yeah, original hi is multiple times, I mean, repeated multiple times. Students. So this repetition of original sound is called as echo, students. The repetition of original sound is called as echo. And students, why is there echo? Because the sound is also reflect, the sound reflects.

राइट इज गोइंग टू बी लिमिट राइट ऐसे ऐसे सुनाई नहीं देते रहेगा ठीक है ऑल राइट ऑल राइट नाउ मूविंग ऑन जितने रिफ्लेक्शन होंगे उतना ही आपको साउंड सुनाई देगा अगर तीन बाग रिफ्लेक्शन हुआ तो तीन बाग सुनाई देगा अंडरस्टैंडिंग दिस अच्छा मूविंग ऑन नाउ स्टूडेंट क्यों नहीं होता echo सिर्फ डेडिकेटेड पॉइंट पे क्यों होता है स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स एक्ट जनरेट होने के लिए कंडीशन रिक्वायर्ड है

अभी जब आप क्लासरूम में होते स्टूडेंट्स इफ यू आर द क्लासरूम स्टूडेंट्स एंड क्लासरूम में बहुत बच्चे बात ठीक है? समथिंग आपको उसका उसका आवाज आपके कान में जा रहा है बट आपको कुछ समझ में आएगा क्या बोल रहे हो अगर बहुत शोक होगा स्टूडेंट्स कान में जागा समझ में नहीं आएगा टीचर अनाउंसमेंट रखती है अगर क्लास बॉय चिल्ला रहा होगा टीचर अनाउंसमेंट रखती है तो अनाउंसमेंट समझ में नहीं आता हर साउंड no? उसका आवाज सुनाई देता है बट कुछ समझ में नहीं आता डिसंपल रीजन है स्टूडेंट्स जो दो साउंड है ना

टाइम गैप कितना होना चाहिए स्टूडेंट्स तो दोनों साउंड के बीच में द मिनिमम टाइम गैप शुड बी ऑफ जीरो पॉइंट वन सेकेंड कितना स्टूडेंट्स जीरो पॉइंट वन सेकेंड डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट डिड आई से ठीक है माय नेम इज द टाइम पीरियड बिटवीन टू साउंड्स ग्रेटर देन जीरो पॉइंट वन यस इज इट ग्रेटर देन जीरो पॉइंट नेम अच्छे से सुनाई दिया ये सॉ नो माई नेम अच्छे से सुनाई दिया ये सॉ नो स्टूडेंट्स अच्छा जब भी आप स्टूडेंट्स वेन ए वर्क फास्ट फॉरवर्ड मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय थ्री करते हो ना ऐसा फास्ट फॉरवर्ड करते हो तो स्टूडेंट्स आवाज के लेगिक से सॉन्ग के लेगिक से आई यूल टू ये कुछ 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 ऐसा आवाज आता है ये सॉक नो स्टूडेंट्स डू यू अग्री में दट सो स्टूडेंट्स क्यों होता है ऐसे वाई डज इज हैपन वाई इज साउंड नॉट क्लियर द रीजन इज स्टूडेंट साउंड के लिरिक्स है उसके बीच में टाइम गैप क्या है 0.1 पॉइंट से बहुत कम है If the time gap between the two sound waves is less than 0.1 second, आपको आवाज सुनाई नहीं देगा आपके कान में आवाज तो जाएगा बट वो स्टूडेंट क्या हो जाएगा सब खिचड़ी हो जाएगा डू यू अंडरस्टैंड दिस सारे साउंड क्या करेंगे स्टूडेंट खिचड़ी कर देंगे आपके कान में

तो ओरिजिनल साउंड के पीछे पीछे कौन सा साउंड जाता है स्टूडेंट्स ओरिजिनल साउंड के पीछे पीछे कौन सा साउंड जाएगा रिफ्लेक्टेड का काउंड जाएगा थर्ड रिफ्लेक्शन आया आई वी आर अंडरस्टैंडिंग दिस सो स्टूडेंट्स एक् के पीछे पीछे एको में स्टूडेंट्स ओरिजिनल साउंड के पीछे पीछे रिफ्लेक्टेड साउंड्स आते हैं ये सब नो स्टूडेंट्स तो इको के लिए स्टूडेंट्स नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली इको के लिए द टाइम गैप द टाइम गैप बिटवीन ओरिजिनल साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड साउंड इट शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 0.1 सेकेंड डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड

अगर जीरो पॉइंट वन सेकेंड के पहले ही स्टूडेंट्स जीरो पॉइंट वन सेकेंड के पहले ही रिफ्लेक्टेड साउंड आया तो स्टूडेंट्स वो दोनों साउंड मर्ज होंगे और फिर आपको सुनाई देंगे तो आपको एक को नहीं सुनाई देगा आपको एक ही साउंड सुनाई देगा डिड यू अंडरस्टैंड दिस वॉट से अगर ओरिजिनल साउंड के पीछे पीछे ओरिजिनल साउंड के पीछे पीछे इफ द रिफ्लेक्टेड साउंड कम्स बिफोर जीरो पॉइंट वन सेकेंड बिफोर जीरो पॉइंट वन सेकेंड 0.1 second Ke pehle students agar reflect the sound. So students echo You won't listen the repeated sound. You will hear it as a single sound. Aapke kaan mein, as a single sound enter ga ga sound. Everybody understood this. Any questions? Any questions? So, what is the first condition, students? The first condition is the time gap. The time gap between original sound and the reflected sound should be how much? Should be of 0 0.1 second or greater than 0 0.1 second. Samja. Sabko samja. All right, all right, all right. So now moving on, students, let us now understand. Let us now understand.

स्टूडेंट्स so डिस्टेंस क्या हो जाएगा वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई करेगा मल्टीप्लाइड बाय टाइम सो डिस्टेंस इज गिटी मल्टीप्लाईड बाई टाइम डिड यू अंडरस्टैंड दिस

टाइम जीरो पॉइंट वन कितना है? So students, कितना आया स्टूडेंट थर्टी फोर पॉइंट फोर मीटर अच्छा ये थर्टी फोर पॉइंट फोर मीटर कौन सा डिस्टेंस है बताया आपको यहाँ पे एंडर से ऑब्जर्वर है यहां पे लेटेस्ट सरफेस है तो जो डिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया ये डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस है पता है साउंड का जाने का एंड रिफ्लेक्ट होके वापस आने का डिस्टेंस थर्टी फोर पॉइंट फोर जाने का एंड वापस आने का डिस्टेंस इज हाउ मच थर्टी फोर पॉइंट फोर साउंड का जाने का एंड वापस आने का डिस्टेंस इज हाउ मच थर्टी फोर पॉइंट फोर सो माई सिंपल क्वेश्चन स्टूडेंट ऑब्जर्व ऑब्जर्वर एंड सर्फेस के बीच में डिस्टेंस कितना रहेगा अगर साउंड का जाने का एंड आने का डिस्टेंस इज थर्टी फोर पॉइंट फोर मीटर कैन यू टेल मी ऑब्जर्व एंड सर्फेस के बीच में कितना डिस्टेंस रहेगा थिंक अबाउट इट Is it going to be at at 34.4 meters, if you are at home, and ठीक है तो घर से अध्ययन तक आप पांच किलोमीटर चल के गए एंड अध्ययन से वापस आप पांच किलोमीटर चल के आए घर से अध्ययन एंड अध्ययन से घर तक आप स्टूडेंट्स टेन किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया तो स्टूडेंट्स घर एंड अध्ययन के बीच में डिस्टेंस कितना हुआ घर से अध्ययन तो व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन योर होम एंड अध्ययन स्टूडेंट्स इट इज नोट बी ऑफ फाइव किलोमीटर क्या किया आपने स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय टू ये सब नो स्टूडेंट तो सिमिलरली स्टूडेंट्स साउंड जाके आया साउंड जाके रिफ्लेक्ट होके वापस आया कितना डिस्टेंस कवर किया साउंड ने थर्टी फोर तो टेन मी व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड द डिवाइडेड बाई टू दैट इज हाउ मच सुनाई देने के लिए स्टूडेंट्स एंड सरफेस के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए तो 17.2 मीटर होना चाहिए इफ यू वॉन्ट टू योर एक्ो स्टूडेंट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन लिसन टू इट वेरी केयरफुल If you have to hear echo students, if the observers have to hear echo, observer and students, surface के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए? What should be the minimum distance students? The minimum distance should be of 17.2 point meter. अगर ऑब्जर्वर और पीछे चला गया उसको एक को सुनाई देगा क्या ऑब्जर्वर पीछे चला गया ऑब्जर्वर पीछे चला गया विल ही बी एबल टू हियर इको स्टूडेंट्स विल ही बी एबल टू हियर इको यस ही विल बी एबल टू हियर इको अगर ऑब्जर्वर आगे चला गया मतलब डिस्टेंस कम हुआ 17.2 मीटर से डिस्टेंस कम हो गया इफ द ऑब्जर्वर स्टूडेंट्स इफ द ऑब्जर्वर कम्स फॉरवर्ड मतलब स्टूडेंट्स ये डिस्टेंस क्या हो गया Observer and sophist distance reduces, it becomes less than 17.2 meter... Will he be able to your echo students? Definitely, he is not able to your echo. He won't be able to hear echo students. Everybody understood this. Yes. So this is the condition for echo students. This is the first condition for the second condition for echo. First condition, kya the students. फर्स्ट कंडीशन वॉज ओरिजिनल साउंड साउंड एंड रिफ्लेक्टेड के बीच में टाइम गैप कितना होना चाहिए मिनिमम टाइम गैप कितना होना चाहिए जीरो पॉइंट का एंड वॉट इज द सेकेंड कंडीशन द सेकेंड कंडीशन इज द डिस्टेंस बिटवीन द मिनिमम डिस्टेंस द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड द सर्फिस शुड बी हाउ मच शुड बी हाउ मच इट शुड बी

What does the formula become, students? D is equals to VP upon two. Any questions so far? Any questions? Please raise your hands if you have a doubt, students. Please raise your hands if you have any questions. Any doubts? Sabko samja? Smart All right, all right. So that is about echo students. <clears throat> what is this concept of? This concept is of echo. Right? Uh, what we'll do is, students, um, I guess we should stop here. We should stop here. Okay? Or you want to go again? I mean, you want to go ahead. Do you wish to stop your students?